हरिद्वार में श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल की फर्जी कार्यकारिणी बनाकर अखाड़े की अकूत संपत्तियों को कब्जा कर ठिकाने लगाने का खुलासा हुआ। संस्था के कोठारी ने इस संबंध में उत्तराखंड और पंजाब से ताल्लुक रखने वाले 11 संतों के खिलाफ कनखल थाने में धोखाधड़ी समेत प्रभावी धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। इन सब पर निर्मल अखाड़े के पटना साहिब व गैंडी खाता गुरुद्वारे की जमीन कब्जाने और हरिद्वार के एकड़ कला में सैकड़ों हेक्टेयर जमीन को ठिकाने लगाने का आरोप है। कनखल पुलिस ने मामले दर्ज करने के बाद मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी और आरोपियों की धरपकड़ के प्रयास शुरू कर दिए। हरिद्वार के प्रशासन के द्वारा कनखल थाने से 11 लोगों के खिलाफ यह मुकदमा दर्ज हुआ है। ये वो लोग हैं जिन्होंने पूर्व समय में निर्मल पंचायती अखाड़े के ऊपर और अखाड़े की संपत्ति के ऊपर कब्जे करने के प्रयास किए और नकली एक श्रीमंत खड़ा किया रेशम सिंह, और जो उनको कोई अधिकार नहीं है। श्री निर्मल पंचायती अखाड़ा एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है, उसका अपने बायलॉज हैं, अपने सदस्य हैं, अपनी कार्यकारिणी है। जिनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ है इनके विरुद्ध जो है कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उधर निर्मल पंचायती अखाड़े ने अखाड़ा परिषद से मांग की है कि हरिद्वार कुंभ के पहले निर्मल अखाड़े को बदनाम करने वाले संतों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। निर्मल अखाड़े ने हरिद्वार में इन सभी आरोपियों के खिलाफ सरकार से भी कार्रवाई की मांग की है। पंजाब केसरी टीवी के लिए हरिद्वार से सतीश गुजराल की रिपोर्ट।